हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। देखिए, मार्केट के अंदर जो करेक्शन हुई है उसकी बड़ी वजह ये रही कि कल की दिन जो है अमेरिकन बाजार के अंदर एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि इंडियन स्टॉक मार्केट उसको रिकवर करने की कोशिश लगातार कर रहा है और कोई ज़्यादा गिरावट जो है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं देखने को मिल रही है। बॉम्बे स्टॉक ऑलमोस्ट जो है 60,000 पॉइंट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 50 की अगर बात करूँ तो वो भी 18,000 पॉइंट्स के ऊपर ही आ चुका है, तो कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत गिरावट मैं ज़रूर कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे पैनी सेल्स का जो पैटर्न होता है वो अपोजिट चलता है इस चीज के कि मार्केट अगर पॉजिटिव है तो भी उनको नेगेटिव रहना है, अगर मार्केट नेगेटिव है तो भी उनको पॉजिटिव रहना है। बात करूंगा लीसा इंडस्ट्रीज की, जिसके अंदर फिर से लोअर सर्किट लगा है और क्या कुछ अपडेट निकल के आया है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि कल की डेट में एक बड़ा अपडेट जो है लीसा इंडस्ट्रीज की तरफ से पेश किया गया है। क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए, तो उसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लीसा इंडस्ट्रीज में 4.95% का लोअर सर्किट, कल की डेट से लोअर सर्किट लगने स्टार्ट हो चुके हैं। 12.47 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 65 पैसे की गिरावट है। लास्ट क्लोजिंग 13.12 रुपये पे थी। बात अगर 5 दिन के रिटर्न्स की करूँ तो यहाँ पे बीच में 2 दिन के अपर सर्किट, 2 दिन के लोअर सर्किट और 1 दिन का अपर सर्किट और नेक्स्ट डे का लोअर सर्किट मिला के ऑलमोस्ट 0.56% की करेक्शन, यानी कि ना तो पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं 5 दिन से, ना ही नेगेटिव कह सकता हूँ मैं। थोड़े बहुत जो है 0.56% के हिसाब से थोड़े बहुत रिटर्न्स नेगेटिव जरूर दिए हैं। 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट जो है 12% की करेक्शन हो चुकी है, और 6 महीने की बात करूँ तो यहाँ पे 108% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स लीसा इंडस्ट्रीज ने दिए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ मैं आप लोगों को कहता हूँ ना कि 20% या 25% का प्रॉफिट निकालना बहुत हो जाता है पैनी शेयर से, और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने क्या है वो रिजल्ट ये कि जब ऊपरी स्तर से जब गिरावट हुई थी उसके बाद से 2-3 बार जो है स्टॉक 15-20-25% तक के रिटर्न्स दे चुका है, 30% तक के रिटर्न दे चुका है बीच बीच में। अब वहाँ पे अगर आप लोग बल्क में इन्वेस्टमेंट करके सोच रहे कि वहाँ पे जाके ये स्टॉक फिर से 30-40-50 रुपये की रेंज में जाएगा, तो वो थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। बट लेकिन लीसा इंडस्ट्रीज ने जो ऑलमोस्ट 11-12-10 की रेंज में एक सपोर्ट लेवल जरूर क्रिएट कर रहा है बार बार, क्योंकि वहीं पे आके स्टॉक रुक रहा है और वहीं से जो है फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता रहता है। अगर आज का भी वॉल्यूम देखेंगे तो 2 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, यानी कि 1 लाख शेयर्स आज की डेट में बेचे गए और 1 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं। अब यहाँ पे इस लेवल्स पे क्या है कि जो ऑपरेटर्स हैं ना वो स्टॉक्स को खरीद रहे हैं। सेलिंग क्वांटिटी देखिए, ऑलमोस्ट 27,40,513 शेयर्स की सेलिंग क्वांटिटी देखने को मिल रही है। मार्केट कैप 137 करोड़ का, टीटीएमपी 207 अभी भी ओवरबॉट कंडीशन में है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आरएसएल लेवल देखें तो वो जो है बाइंग जोन में है। आरवीजीआई लेवल देखेंगे तो वो भी 1 पॉइंट से नीचे ही देखने को मिल रहा है। सुपर ट्रेंड की बात करूं तो वो भी जो है जो ट्रेंड लाइन है उससे नीचे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और दूसरी बड़ी बात कि यहाँ पे अगर मैं RSI लेवल के अलावा मूविंग एवरेज की भी बात करूं तो मूविंग एवरेज भी स्टॉक की जो लिस्टिंग प्राइस की जो ट्रेंड लाइन है उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा, तो यहाँ पे इंडिकेशन साफ साफ है कि स्टॉक में गिरावट के चांसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक कभी इस चीज़ से निकल ही नहीं पाया है। क्योंकि लीसा इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म पर्पज एक अलग विजन है, लेकिन शॉर्ट टर्म पर्पजेज के हिसाब से ऊपर जाते टाइम स्टॉक में बाइंग करना, जब अपर सर्किट लग चुके हैं ऑलरेडी उस टाइम बाइंग करना बहुत रिस्की हो जाता है। अगर मैं अपडेट की बात करूँ तो देखिए कल का ही अपडेट है, सॉरी आज का ही अपडेट है सुबह का ही, और 14 तारीख यानी कि आज ही है। और द एक्सचेंज हैज शॉर्ट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम लीसा इंडस्ट्रीज, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने क्लैरिफिकेशन मांगा है लीसा इंडस्ट्रीज से कि क्या दिक्कत है, कि क्या परेशानी आ रही है, कि जो प्राइस मूवमेंट है वो इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। लेकिन लीसा इंडस्ट्रीज ने अभी तक इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया, जवाबी कार्रवाई कोई भी नहीं हुई। और आज ही जो है स्टॉक एक्सचेंज ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, देखिए द एक्सचेंज हैज शॉर्ट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम लीसा इंडस्ट्रीज ऑन September 13 विद रेफरेंस टू सिग्निफिकेंट मूविंग इन द प्राइजेज एंड ऑर्डर टू इंश्योर दैट इन्वेस्टर्स हैव लेटेस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज एंड इन्फॉर्म टू द मार्केट। यानी कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या दिक्कत है, कि क्या परेशानी है, कि और कोई भी अपडेट कंपनी के रिगार्डिंग अभी तक लीसा इंडस्ट्रीज ने पेश नहीं किया, तो उसको लेके जो है आज का ये शॉर्ट मांगा गया है, क्लैरिफिकेशन मांगी गई है, और इसको लेके लीसा इंडस्ट्रीज की तरफ से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। बात अगर मैं रेजिस्टेंस लेवल की करूँ तो तीनों रेजिस्टेंस लेवल से स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, और थर्ड सपोर्ट जो है वो 11.95 रुपये का है, तो बहुत प्रॉब्ली चांसेज है कि 10-11 की रेंज में स्टॉक जाके वहीं पर फिर से स्टॉक होने वाला है।
प्राइस परफॉर्मेंस रिटर्न सबको पता है कि कितने पॉजिटिव दिए हैं, कितने नेगेटिव दिए हैं, किसने सही टाइम पर एंट्री ली और किसने गलत टाइम पर एंट्री लेके लॉस बुक किया है। वॉल्यूम की बात करूँ तो आज का वॉल्यूम सिर्फ 2 लाख का है और कल का वॉल्यूम ऑलमोस्ट 11 लाख का था, जिसमें से 97.82% की डिलीवरी थी। और सबसे बड़ी बात कि स्टॉक जो है वो ASM स्टेज 1 के अंदर है। अब ASM लिस्ट स्टेज 1 के अंदर आपको पता है कि ऑटोमेटिक परेशानियां बढ़ जाती हैं जब वो CB की नज़र में आ जाता है, और CB की नज़र में आने के बाद ही जो है स्टॉक को ASM स्टेज 1 के अंदर डाल दिया गया। तो यहाँ पे गिरावट के चांसेस तो जो है 10-11 सपोर्ट लेवल्स वहीं पे हैं और वहीं से बार बार सपोर्ट लेवल लेके कंसोलिडेशन जोन जो है लीसा इंडस्ट्रीज फेस कर रहा है। अब जिन लोगों ने स्टॉक को सेल नहीं किया था कल परसों की डेट में, तो वहाँ पे जो है उनको थोड़ी सी परेशानी जरूर रही, क्योंकि ऑलरेडी जितना प्रॉफिट हुआ था उसको सेल ना करने की बजाय वापसी स्टॉक उसी रेंज में जा रहा है 10-11 की रेंज में, अगर जिन इन्वेस्टर्स ने बाय किया था। तो पेशेंसली होल्ड करके रखे, ऐसे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में ही कुछ बात बन सकती है, शॉर्ट टर्म में ऐसे स्टॉक से प्रॉफिट निकालना, सही टाइम पे एंट्री लेके और सही टाइम पे एग्जिट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि टोटली ऑपरेटर गेम इन स्टॉक्स में चलता रहता है। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।